नमस्कार साथियों, मैं प्रहलाद राय स्वर्णकार। आज हम EE-205 का टॉपिक रेजोनेंस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस इन पैरेलल आरएलसी सर्किट। रेजोनेंस इन आरएलसी पैरेलल सर्किट, ठीक है। मान लीजिए एक इंडक्टर है जिसका कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इस प्रकार से है, और एक कैपेसिटर है जिसका कि कैपेसिटेंस है सी। पैरेलल में लगे हुए हैं और ये जो है एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स है एसी सोर्स, उसके अक्रॉस लगा दिया जाता है। जहां सोर्स है वीएम साइन ओमेगा टी, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का सोर्स लेते हैं, ठीक है। और इसके कारण से परिपथ में जो है धारा बहती है आई। मान लीजिए इस ब्रांच में जाने वाली धारा आई एल है और इसमें जाने वाली धारा है आईसी, ठीक है। जब इस प्रकार से एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जो है पैरेलल में जुड़े हुए हों और इसके एक्रोस हम अगर एसी सप्लाई, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई का सोर्स जोड़ दें, जिसके कारण से परिपथ में जो है धारा फ्लो हो रही है आई। ये जो धारा है आई, इसके दो कंपोनेंट हो गए आई एल एंड आईसी। आई एल जो जा रहा है इंडक्टर में जाने वाली, ब्रांच में जाने वाली धारा है, और आईसी जो है कैपेसिटर में जाने वाली धारा है। अगर हम अब इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करें, अगर सोर्स की जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का सोर्स है और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करें, तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब परिपथ में बहने वाली धारा, कुल धारा आई और अप्लाइड वोल्टेज सेम फेज में हो, ठीक है। ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं अनुनादी अवस्था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुनादी अवस्था मीन्स सोर्स और सोर्स के कारण से परिपथ में बहने वाली धारा दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है, ऐसी अवस्था में इस अवस्था को जो है हम अनुनादी अवस्था कहते हैं। चाहे सर्किट जो है सीरीज में हो चाहे पैरेलल में, रेजोनेंस की कंडीशन एक ही है, वी और आई सेम फेज में होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसको जो एक्सप्लेन करने के कितने अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको इसको फेजर डायग्राम से जो है एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये अपने पास अप्लाइड वोल्टेज इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो इसके कारण से जो आईसी करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी, क्योंकि कैपेसिटिव करंट है, अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री करेगी। और चूंकि हमने जो चोक कॉइल है जिसका कि एक रेजिस्टेंस लिया है आर और इंडक्टेंस लिया है एल, इस कारण से इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा एक्स एल, विच इज ओमेगा एल और 2πfL। इसी प्रकार से कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/ωC, और ये हो जाएगा 1/2πfC, ठीक है। चूंकि चोक कॉइल है तो चोक कॉइल में जो रेजिस्टेंस लिया है, इस कारण से जो इसमें जो जाने वाली धारा है आई एल, वो 90 डिग्री से पीछे नहीं होके और कुछ कम एंगल से पीछे होगी। मान लीजिए हम ये मान लेते हैं ये आई एल, और इसके कारण जो धारा पीछे जा रही है मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो ये आई एल के हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक वोल्टेज की दिशा में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आई एल कोस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा आई एल साइन थीटा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अनुनाद के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वी और आई सेम फेज में होना चाहिए। तो जब हम फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं और एक ऐसी अवस्था प्राप्त करते हैं जब वोल्टेज और जो करंट है वो सेम फेज में हो जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये करंट है, इस ये करंट किन किन के सम से बन रही है, इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट। तो जो इसका रिएक्टिव पार्ट है, इस करंट का जो रिएक्टिव पार्ट है वो क्या होना चाहिए,
जीरो हो जाना चाहिए, है ना। तो यहां देखिए रिएक्टिव पार्ट क्या, और रिएक्टिव पार्ट अगर जीरो हो जाएगा तो केवल एक्टिव पार्ट रहेगा। एक्टिव पार्ट मीन्स जो कि वोल्टेज के सेम फेज में रहेगा। तो यहां देखिए रिएक्टिव पार्ट क्या हो गया, इस डायग्राम से देखिए आई सी इधर है और आई एल आई एल का ये कंपोनेंट इधर है। ये दोनों जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वोल्टेज के परपेंडिकुलर में है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। इट मीन्स ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा, आई सी माइनस आई एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, इट मीन्स आई सी इज इक्वल टू आई एल साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अपन इसके सभी की वैल्यू रख लेते हैं। यहां देखिए आप IC क्या होगा, IC इज इक्वल टू IC जो है आपके पास हो गया V अपॉन X, हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से IL क्या होगा, IL देखिए यहां इसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इसको ले लेते हैं ZL विच इज इक्वल टू R प्लस J इंटू एक्स एल। ठीक है, तो आई एल क्या हो जाएगा, वी अपॉन एक्स एल। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहां रखते हैं। इसी प्रकार से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा देखिए यहां पे साइन थीटा जो है वो हो जाएगा आपके पास, इसके साइन थीटा हो गया आपके पास आर अपॉन लंब अपॉन कर्ण, ये लंब हो गया इधर आर एक्स और ये हो गया आपके पास आर हो गया आपके पास एक्स एल अपॉन जेड। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, इन दोनों सब की वैल्यू यहां रख लें। ये हो जाएगा आपके पास वी अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स एल और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये तो V अपॉन जेड एल। ठीक है, ये थोड़ा गलती हो गया, ये देखिए इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा जेड एल और ये हो जाएगा एक्स एल अपॉन जेड और जेड एल। ठीक है, जेड एल लिख दीजिए इसको। तो यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, ये V से V कट, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन जेड एल का स्क्वायर और एक्स एल इंटू एक्स सी इज इक्वल टू जेड एल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां वैल्यू रख लेते हैं एक्स एल, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू जेड एल, जेड एल इज इक्वल टू जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा एल अपॉन सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर और इसकी वैल्यू रख लीजिए। दिस मीन्स एल अपॉन सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल का मतलब हो जाएगा ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ओमेगा एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर। दिस मीन्स ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ओमेगा एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको अपन केवल ओमेगा के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एल को अंदर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और चूंकि हम ना इस अवस्था में क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है, इसको अपन लिखेंगे टू पाई एफ जीरो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और वी कैन राइट एफ जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट वन अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये आपके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकला का पैरेलल आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देखिए अगर हम इस केस में अगर हम इसका जो इंडक्टिव कॉइल लिया इसका रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल या जीरो मान लें तो ये अगेन वही फॉर्मूला आएगा जो हमारे पास
सीरीज आरएलसी सर्किट का आता है 1 अपॉन अंडर रूट एलसी इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन ऑफ एल। ठीक है, चलो अब इस बात पे करते हैं। तो पैरेलल सर्किट में जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ जीरो इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 बाय एलसी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इस अवस्था में परिपथ में करंट कितना होगा, परिपथ में करंट होगा नेट करंट क्योंकि रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, आईसी इज इक्वल टू आई एल साइन थीटा है, तो इस केस में जो नेट करंट हो जाएगा वो हो जाएगा आई एल इज इक्वल टू आई एल कोस थीटा, और ये कैसा होगा वी के फेज में होगा। ठीक है, सेम फेज इन वी, वी के सेम फेज में होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। आई एल, आई एल क्या हो जाएगा आपके पास, आई एल इज इक्वल टू वी अपॉन जेड एल, और कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो गया आपके पास आर अपॉन जेड एल। ठीक है, तो यहां से देखिए ये हो जाएगा आपके पास आई इज इक्वल टू वी आर अपॉन जेड एल का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जेड एल का स्क्वायर जो है हमारे पास, हमने पहले इससे पहले वाली इक्वेशंस में देखा था कि जो है जेड एल का स्क्वायर किसके तुल्य आ रहा था, हमारे पास आ रहा था एल एल बाई सी के। ठीक है, तो इसको यहां रखेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी आई इज इक्वल टू वी आर और जेड स्क्वायर मीन्स एल अपॉन सी, और इसको इस रूप में लिखें वी अपॉन एल बाई सी आर। ठीक है, तो यहां देखिए ये टर्म जो आ रही है नीचे क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। ठीक है, क्योंकि यहां रेजोनेंस ये किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के, ये वैल्यू जो है पैरेलल रेजोनेंस में जो है जो तुल्य रेजिस्टेंस के तुल्य होगा, जिसको बोलते हैं हम डायनेमिक या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो टर्म है एल अपॉन सी आर, दिस इज नोन एज डायनेमिक रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट इंपीडेंस और रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए इस अवस्था में जो है चूंकि करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो है, इट मींस करंट की जो वैल्यू है वो मिनिमम आएगी। करंट 8 दिस कंडीशन, रेजोनेंस की कंडीशन में विल बी मिनिमम। ठीक है, इट मींस हम कह सकते हैं कि इंपीडेंस क्या हो गया, इस अवस्था में जो है इंपीडेंस मैक्सिमम होगा। तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था पैरेलल सर्किट में, पैरेलल जब आरएलसी सर्किट की बात करते हैं और उसके अक्रॉस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगाते हैं जिसके कारण से उसमें धारा आई जा रही है, तो ऐसी अवस्था जब धारा और वोल्टेज सेम फेज में हो, ठीक है, उस अवस्था में जो करंट की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, और हम कह सकते हैं कि जो है इंपीडेंस मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, करंट सर्किट करंट मिनिमम होगी। ठीक है, पावर फैक्टर अगेन, क्योंकि सेम फेज में तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। ठीक है, पावर फैक्टर यूनिटी, क्योंकि इसमें करंट मिनिमम होगा इसलिए इस परिपथ को इसी अवस्था में जब पैरेलल सर्किट होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, रिजेक्टर सर्किट भी बोल सकते हैं, रिजेक्टर सर्किट। ठीक है, अब देखिए इसका जो है कर्व खींचते हैं, अब देखिए हम रेजोनेंस कर्व खींचते हैं, इस तरफ ले लेंगे हम, दिल्ली की फ्रीक्वेंसी, पहले हम एक काम करते हैं कर्व खींचते हैं इंपीडेंस के बीच में। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो है इंपीडेंस मैक्सिमम होता है, तो इसका जो कर्व है वो इस प्रकार से आएगा। ठीक है,
और यहाँ जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू जेड इजिकल टू एल अपॉन सी आर के बराबर होगी। और इस अवस्था में अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो है न्यूनतम होगी, ये करंट न्यूनतम हो जाएगी इसकी, ये आई, और ये आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई इजिकल टू वी अपॉन एल अपॉन सी आर। ठीक है, इस वक्त जो है करंट न्यूनतम होगी और इम्पीडेंस जो है मैक्सिमम होगा। जिस प्रकार से हमने जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, तो चूंकि ये पैरेलल सर्किट है तो इसमें हम इम्पीडेंस की जगह एडमिटेंस लेंगे, चूंकि एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन इम्पीडेंस। ठीक है, और आप लिख सकते हैं वी इज वाई इज इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस जे एक्स, इसको लिख सकते हैं अपन जी माइनस जे बी, जहां जी क्या हो जाएगा कंडक्टेंस और बी होगा ससेप्टेंस। ठीक है, तो अब इसका हम कर्व खींचते हैं। देखिए कर्व लेते हैं हम इस प्रकार से, इस तरफ ले लेंगे हम फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले देखिए आप जो चोक कॉइल है उसका इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होगा, बी इजिकल टू वन अपॉन एक्स एल, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, और हम कह सकते हैं इसको माइनस टू पाई एफ एल, इट मीन्स बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, और नेगेटिव टर्म में तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेंगे, ये हो जाएगा, ये होगा आपके पास बी एल। ठीक है, इसी प्रकार से कैपेसिटिव ससेप्टेंस लेते हैं, ये तो हो गया है, ये तो हो गया इंडक्टिव ससेप्टेंस। इसी प्रकार से लीजिए आप कैपेसिटिव ससेप्टेंस, बी सी इजिकल टू ये हो जाएगा आपके पास वन अपॉन एक्स सी विच इजिकल टू ओमेगा सी, और हम कह सकते हैं टू पाई एफ सी। तो यहां देखेंगे आप बी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो इसका जो है इसको बनाते हैं हम, ये होगा आपके पास बी सी। ठीक है, तो नेट बी, नेट बी इज इक्वल टू बी सी माइनस बी एल एन, तो नेट बी क्या आ जाएगा आपके पास, ये नेट बी हो जाएगा। कंडक्टेंस लेंगे हम जी कांस्टेंट रहता है, जी कांस्टेंट, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये हो जाएगी आपकी एफ जीरो। ठीक है, तो जो है एडमिटेंस लेंगे वाई इज इक्वल टू जी माइनस जे बी, चूंकि हम कह रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका जो रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो जाता है तो वाई क्या होता है मिनिमम, तो इसका जो कर्व आएगा यहां पे ये आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कर्व हो जाएगा वाई, इस प्रकार से कर्व मिला, तो ये जो है सारे रेजोनेंस कर्व हो गए। और अगर हम जो है इम्पीडेंस खींचेंगे तो इसका उल्टा, ये इम्पीडेंस का कर्व हो जाएगा, और करंट का कर्व अगर खींचना चाहे तो करंट का कर्व जो है सिमिलर टू वाई आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसके कर्व रेजोनेंस कर्व
नाउ अब हम बात करते हैं क्यू फैक्टर। देखिए इस पैरेलल सर्किट में क्या हो रहा है, करंट न्यूनतम हो रही है, लेकिन जो पैरेलल सर्किट है जिसमें आईएल और आईसी, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है क्योंकि अपना पाथ ये उस लूप में पूरा करते हैं। तो इस अवस्था में जो पैरेलल रेजोनेंस अवस्था में जो है अंदर लूप में जो करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कुलेटिंग करंट है जो कि काफी ज्यादा होती है, तो इसमें जो है क्यू फैक्टर हम ये कह सकते हैं कि करंट मैग्निफिकेशन, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू करंट मैग्निफिकेशन विच इज इक्वल टू आईसी और टोटल करंट या आईएलओ अपॉन टोटल करंट। ठीक है, तो इसको अगर हम सिमिलर रखेंगे इसकी वैल्यूज, तो रखिए देखिए आईसी, आईसी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास वी अपॉन एक्स सी, ठीक है, और आई की वैल्यू जो है वो होगी आपके पास वी अपॉन एल बाई सी आर। तो इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे वी से वी कट जाएगा, ठीक है, तो ये है क्यू फैक्टर हो जाएगा आपके पास ओमेगा, इसकी वैल्यू भी रखेंगे तो देखिए आप वी से तो वी कट, ये चला जाएगा ऊपर एल अपॉन सी आर और एक्स सी, एक्स की वैल्यू होगी वन अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, वन अपॉन ओमेगा सी, इसकी वैल्यू करिए तो ये आ जाएगा आपके पास, काटेंगे इसी से सी कट और ये हो गया आपके पास ओमेगा एल, ओमेगा एल अपॉन आर और ओमेगा एल अपॉन आर, चूंकि ये रेजोनेंस है तो इसको जीरो से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा टू पाई एफ जीरो एल अपॉन आर। सिमिलर जो कि आपके रेजोनेंस सर्किट में मिलता है, ये वैल्यू मिली थी अपने को, ये क्यू फैक्टर हो गया।